एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर। अब पैरेलल तो नहीं कहेंगे, स्फेरिकल कहेंगे इसमें, क्योंकि पैरेलल प्लेट तो रही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर वॉयलेट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एक प्लेट लेंगे, उसके सामने एक प्लेट रखेंगे और दूसरी प्लेट को अर्थ भी करेंगे। उसी तरीके से आप ये कहेंगे कि सर स्फेरिकल कैपेसिटर लास्ट टाइम कर तो लिया था, जिसका फॉर्मूला था 4πε0r, वो आइसोलेटेड स्फेयर है। आइसोलेटेड स्फेयर का मतलब अकेला बस स्फेयर है, विच वॉज नॉट फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसके अंदर ये मैंने एक शेल लिया, इस शेल को मैंने चार्ज दिया q, इसका रेडियस है a, इसके बाहर एक कंडक्टिंग शेल रखा जिसको पहले कुछ नहीं किया और इसको अर्थ कर दिया, इंडक्शन लगी, इंडक्शन में प्लस q ने यहां क्या डेवलप किया, माइनस q, अर्थ ने यहां चार्ज रहने नहीं दिया, हमने न्यूमेरिकल किया था शेल प्रॉब्लम, बाहर कोई चार्ज नहीं है, बस इंडक्शन से q और माइनस q। प्लस चार्ज वाला शेल पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज वाला शेल नेगेटिव पोटेंशियल, और एक्चुअल चार्ज ये दिया। तो अगर आप इसमें कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो क्यू चार्ज को, अंदर वाले चार्ज को इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर देना है, डिवाइड। तो अगर आप इसमें कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी क्यू डिवाइडेड बाय बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल, यानी कि वी प्लस माइनस वी माइनस। कोई डाउट इसमें? तो अपने को बड़े में से छोटा पोटेंशियल क्या करना है, माइनस। तो इसका मतलब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला जो आपके एनसीईआरटी वाले यूज करते हैं, क्या तरीका है? तरीका ये है, आप डेफिनेशन यूज करें माइनस ई डॉट डी आर की। तो डेफिनेशन यूज करें, किसकी डेफिनेशन? ई डॉट डी आर की। जब मैं ई डॉट डी आर लगाता हूं तो सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा हूं फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल। ये क्या हो जाएगा? इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव, इज माइनस ई डॉट डी आर। अब ई क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव है, डी आर भी बाहर है, इनके बीच में एंगल जीरो। अब ई की वैल्यू यहां 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 चेंज हो रही है, क्योंकि आर चेंज हो रहा है तो ई भी चेंज हो रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पर यहां पे ई होगा क्या? फर्स्ट शेल प्रॉब्लम की थी, फर्स्ट शेल यहां पे ई क्या लगाएगा? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सेकेंड शेल क्या लगाएगा? जीरो, क्योंकि ये पॉइंट सेकेंड शेल के अंदर है, और सेकेंड शेल के अंदर का मतलब ई जीरो, तो अंदर वाला शेल लगाएगा ई। इस ई की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां, यहां से यहां निकालना है, तो रेडियस आर की वैल्यू ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, तो -1/4πε0 बाहर आ गया, आर ऊपर चला गया, आर की पावर -2, इंटीग्रेट की आर की पावर -1/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आर की पावर -1 इज 1/r, एक बार आर की जगह बी, एक बार आर की जगह ए, तो ये क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। पर अपने को ये चाहिए नहीं, अपने को चाहिए बड़े में से छोटा। यहां पे क्या आया? छोटे में से बड़ा। घुमा दो इसे, उल्टा कर दो, तो ये रिजल्ट भी उल्टा हो जाएगा, 1/a-1/e। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या है? क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पुट कर दिया, पुट करके क्यू क्यू कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई किया। नोट करो फॉर्मूला अपने रजिस्टर में, कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला 4πε0ab/b-a, ये यूज हो जाता है फॉर्मूला। ठीक, ये फॉर्मूला नोट करो। तो अब कोई ये कहे कि ऐसे करना, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा डेरिवेशन, पर मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मुझे पता नहीं सही है गलत है, वैसे ये तो सही है ही है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस एक लाइन में भी निकाल सकता था, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को।
कैसे? शेल प्रॉब्लम्स की हमने, तो शेल प्रॉब्लम्स क्या कहती हैं? शेल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली अगर सपोज करो मैं ये पूछूं कि ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर बोलो पोटेंशियल होगा क्या, तो आप क्या बोलोगे? 1/4πε0। अंदर का चार्ज क्यू का डिस्टेंस क्या है? ए, तो क्या आएगा? क्यू बाय ए। तो बाहर का जो शेल है वो भी तो यहां पोटेंशियल लगाएगा, तो बाहर का शेल क्या कहेगा? क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, तो जितना मेरे सरफेस का पोटेंशियल है उतना ही अंदर पोटेंशियल है, तो सरफेस का क्या पोटेंशियल है? माइनस क्यू डिवाइडेड बाय बी। हमने शेल प्रॉब्लम में वी निकालना सीखा था, कोई डाउट इसमें? शेल प्रॉब्लम से हमारे पास वी ए आ गया। अब वी बी, चलो यहां पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो 1/4πε0, ये Q चार्ज का डिस्टेंस यहां से B हो गया, तो Q चार्ज ये पोटेंशियल लगाएगा और माइनस Q अपनी सरफेस के ऊपर इतना पोटेंशियल लगाएगा। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और सीधा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VA माइनस VB, यानी कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। और आपको याद होगा लास्ट टाइम भी किया था कि दो शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस आउटर शेल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, तो आप चेक करें आपका पोटेंशियल डिफरेंस सीधा यही आएगा, Q पे डिपेंड करेगा, माइनस Q पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो सीधा लिख दोगे एक लाइन में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस आ गई। पर लिखना ऐसे ही है क्योंकि ये फॉर्मेट NCERT फॉर्मेट है, माइनस EDR से कर देना क्या ही फर्क पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक?